गाजीपुर के पूर्व सांसद और पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री मनोज सिन्हा आज महामहिम हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल बनाए गए मनोज सिन्हा अपने कार्यक्षेत्र में डट गए हैं। लगे हाथों उन्होंने जम्मू कश्मीर के सभी एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज यानी प्रशासकीय सचिवों को मीटिंग के लिए बुला भी लिया है। अभी आप स्क्रीन पर जो तस्वीरें देख रहे हैं ये उपराज्यपाल बने मनोज सिन्हा के नए जलवे की है। ये मनोज सिन्हा का काफिला है। आप देख सकते हैं कि किस तरह एक उपराज्यपाल का प्रोटोकॉल उसके साथ चलता है। आज हम आपको मनोज सिन्हा के उपराज्यपाल बनने की इनसाइड स्टोरी बताने जा रहे हैं। दरअसल मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर भेजना कोई एक झटके की योजना नहीं थी। जैसा उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया वैसा कुछ रातों रात नहीं हुआ था। इस कहानी को समझने के लिए आपको थोड़ा पीछे यानी 2017 में जाना होगा। आज हर कोई जानता है कि 2017 में यूपी में भाजपा के जीत के बाद मनोज सिन्हा का यूपी सीएम बनना लगभग तय था, लेकिन आखिरी मौके पर बदलाव हुए। इसके बाद 2019 का चुनाव मनोज सिन्हा हार गए। इस बीच तमाम चर्चाएं खड़ी हुई। कुछ चर्चाएं उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर हुई तो कुछ चर्चाएं उनको राज्यसभा में भेजने को लेकर। इन सब के बीच पिछले दिनों एक बड़ा डेवलपमेंट सामने आया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मनोज सिन्हा को संगठन में लाने के लिए प्रयासरत थे। जेपी नड्डा चाहते थे कि मनोज सिन्हा के अनुभव और प्रशासकीय कौशल का लाभ भाजपा संगठन को मिले। ऐसी खबरें आने लगी कि मनोज सिन्हा महासचिव बनाए जा सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जेपी नड्डा ने इस बात की चर्चा पीएम मोदी से की तो उन्होंने कहा कि मनोज सिन्हा के लिए कुछ दूसरा सोचा गया है। और ये 6 अगस्त को साफ हो गया कि आखिरकार मनोज सिन्हा के लिए क्या सोचा गया है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि भूमि पूजन से लौटने के बाद पीएमओ से मनोज सिन्हा के पास कॉल आई और उन्हें प्रधानमंत्री आवास पर बुलाया गया। वहीं पर मनोज सिन्हा को इस नई जिम्मेदारी की जानकारी दी गई। वरिष्ठ पत्रकारों का मानना है कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के लिए मनोज सिन्हा खुद पीएम मोदी की ही पसंद है। उन्हें जम्मू कश्मीर में अपने राजनीतिक और प्रशासनिक कौशल के इस्तेमाल के लिए फ्री हैंड देने की बात भी कही जा रही है। ऐसी ही हमारी और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।